नाम है वो थोड़ा अजीब सा लगा कहीं ना कहीं लगा, लेकिन गाड़ी की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त और डोमेस्टिक लग रही है। तो बाकी स्पेक्स वगैरह सब दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि यार सुजुकी वालों ने शोर इतना ज़्यादा कर रखा है कि भाई कोई वीडियो भी ढंग से नहीं बना सकते। और ये चीज़ जान के करी है कहीं ना कहीं सुजुकी वालों ने दिमाग लगा दिया भाई कि हर एक चीज़ अभी डिक्लेयर नहीं कर देनी चाहिए, नहीं तो लोग बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना के डाल सकते थे। तो फिलहाल के लिए एक बार मैं स्पेक्स दिखा देता हूँ कार के। आप इंटीरियर तो देख सकते हो, कुछ इंटीरियर आएगा नॉर्मल अपना ब्रेजा और बलेनो की तरह। यार शोर को ज़्यादा कर रखा है और बूट स्पेस काफ़ी हद तक बढ़िया है गाड़ी में। अगर अंदर एंट्री हुई तो बिल्कुल दिखाऊंगा। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद अपने को एंट्री मिल चुकी है भाई फ्रॉन्स के पास। तो नॉर्मली आप रियर जो अपना पार्ट है वो कुछ इस टाइप का है, और फ्रॉन्स की सबसे एक चीज़ अच्छी चीज़ तो मेरे को लगी बढ़िया की अट्रैक्टिव बना रही है, जो कनेक्टिंग बैकलाइट मिल चुकी है अपने को फ्रॉन्स में। साथ काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। डिज़ाइन के साथ ही साथ जो अपनी बूट स्पेस है, बूट स्पेस और अपनी रियर स्पेस है, दोनों मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी है। बलेनो से भी बढ़िया ज़बरदस्त स्पेस देखने को मिल रही है इसमें। साथ ही साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है अपना भाई, वो हर एक बलेनो और अपना भाई ब्रेजा वगैरह कहीं ना कहीं उनसे उच्च ही, मतलब एक बढ़िया कार बनाई है ये। और यूँ भी नहीं लग रहा कि मैं एक सेडान में बैठा हूँ, जैसे कि मैंने बता दिया सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये, इसमें काफ़ी सारे फीचर है। और ये अपना बेस मॉडल, वो बेस नहीं है, सबसे टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में अपने को हर एक चीज़ मिल जाए, फिनिशिंग वगैरह और अपने क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो जो अपने नॉर्मल चीज़ें आती है अपने टॉप मॉडल में, हर एक चीज़ प्यारी से प्यारी मिलती है। तो जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना इसमें, वो अपनी स्पेस की ही लगी। काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल रही है अपने को इस कार में। और तो यही सब था इस कार में। जब मार्केट में आएगी तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कार के बारे में, क्या क्या फ़ीचर्स है क्या क्या नहीं। कुछ खास ऐसे सच फीचर दे नहीं रखे कि अलग ही अपना सनरूफ वगैरह या और भी कुछ नए जो अपने फीचर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो सब नहीं है। नॉर्मली जो अपना जैसे सुजुकी चलती है ना बेसिक अपने एक वे में, वैसे ही चल रही है। एक बार कुछ चेंज ला दिया तो उसी पे अपना रूल ओवर करेगी सुजुकी। शार्क फिन एंटीना के साथ और रूफ रेल्स दे दी गई है इस कार में, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ अपनी कार निकाल दी गई है। तो अलॉय साइज की बात करूँगा इस कार में, और दिखा देते हो अपने कितने डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया एक डिज़ाइन मिला हुआ है अलॉयज का। एक बार लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ कि क्या साइज है अलॉयज का। सो हियर इज द साइज विच इज रिटन ऑन द टायर्स R16। भाई गुड ईयर के अपने टायर्स प्रेजेंट करे कंपनी ने कार के साथ। फिलहाल के लिए सब था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब बाय। जय हिंद।